हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा रूम टूर दूंगा, जो कि आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अपना रूम टूर दो। तो मेरा कोई पर्सनल रूम नहीं है और ना ही कोई स्टूडियो है, मैं अपने घर में ही अपनी वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैं शूट करता हूँ और कहाँ पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और किस तरह से। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरह का रूम है मेरा जहाँ पर मैं अपनी वीडियोज शूट करता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अपनी टेबल लगा रखी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से धूप आ रही है। विंडो है और यहाँ पे एक डोर भी है, तो काफ़ी अच्छे से धूप आती है और काफ़ी अच्छी लाइट्स मिल जाती है वीडियो शूट करने में। इसलिए मैं यहीं पे अपनी वीडियो शूट करता हूँ सारी वीडियोस। और यहाँ पे एक लाइट भी है, तो इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ अच्छे से वीडियो शूट करने के लिए। तो देख लो, कुछ इस तरह का सेटअप कर रखा है मैंने ड्राइंग वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तीन चेयर्स लगा रखी है क्योंकि ये टेबल काफ़ी ऊंचा है, तो इसलिए मैंने तीन चेयर्स लगा रखी है यहाँ पे। और मैं पहले इस बोर्ड पे शूट करता था अपनी सारी वीडियोस, वहाँ आपको दिखा रखा है वीडियो में, और इस चेयर का यूज़ करके वो जो कि आपको वहाँ भी दिख रही होगी। तो मैं पहले किस तरह से शूट करता था वो मैं आपको वीडियो में बता रखा है, तो आप चेक कर लेना। अभी तो मैं इसी तरह से शूट करता हूँ अपनी वीडियोज़। सो गाइस, अभी 3 बज रहे हैं, तो मैं अभी एक वीडियो शूट करने वाला हूँ सारा अली खान का, ये वाला। इसको मुझे कल अपलोड करना है, तो मैं आज ही इसको कम्प्लीट कर दूँगा। और मैं कौन सा पेपर यूज़ करता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप में से काफ़ी लोग डेली पूछते रहते हैं कि आप कौन सा पेपर यूज़ करते हो, तो मैं यही वाला पेपर यूज़ करता हूँ जो कि मैंने आपको दिखा रखा है वीडियो में। तो मैंने लोकल स्केचबुक बाय की थी जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा रखी है, तो इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं आजकल सभी ड्राॅइंग्स में। तो फर्स्ट पेज में मैंने सब कुछ ट्राई कर रखा है, पेन, कलर पेंसिल एंड ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल। तो वैसे इसमें कलर पेंसिल बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती है, मैंने ट्राई करके देख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आजकल के ये सारे स्केच मैं इसी पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाई रखी है। वैसे इस पर चारकोल पेंसिल से भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ होता है, जो कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट मैंने चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ किया है। सो गाइस, मैंने इस पर कलर पेंसिल से ट्राई की थी लेकिन बिल्कुल भी अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। इसकी मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी इतना जितना ड्रॉ किया है मैंने, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया। आपको आउटलाइंस दिख रही होगी, मैंने कंप्लीट ड्रॉ की थी विराट कोहली की, इसलिए मैंने फिर ग्रेफाइट पेंसिल में बनाया था। आपने देखी होगी इसकी वीडियो, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। सो गाइस, मैं इसी पेपर का यूज़ कर रहा हूँ आजकल तो सारी ड्रॉइंग्स। तो ये लोकल सी स्केचबुक है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी इजीली, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई इसलिए मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ कंप्लीट। तो इसको कंप्लीट भरेंगे और फिर मैं आपको टूर भी दे दूंगा इसका कंप्लीट ड्राइंग्स का। और आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे ये आपने कहाँ से लिया, तो ये मैंने मार्केट से लिया है ये मैट, ये आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में अगर आपको भी बाय करना है। तो ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ये बाय कर लिया। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है ये। तो चलो गाइस, इसको मैं अब ड्रॉ करता हूँ और फिर मैं कल अपलोड करूँगा इसको, और मैं इसी पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो गाइस, मैंने फ़िलहाल तो इस तरह से सेटअप कर लिया है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने किस तरह से ये सेटअप किया है उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने इस तरह से सेटअप कर लिया है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, और धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है, तो अब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इसकी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी कोई सजेशन हो तो कमेंट कर देना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।